हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ी हुई एक अपडेट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अगर इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में भी हमें देखने को मिला लोअर सर्किट कल फ्राइडे को। आप देखिए यहाँ पे तो 6.05 के ऊपर बंद हुआ, जो कि 4.72% का लोअर सर्किट है। 47,47,725 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहाँ पे 100% डिलीवरी है। और BSE के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको डिलीवरी ऐसी ही दिखाई देगी। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड किए गए 4,49,000 और यहाँ डिलीवरी है 100%। 314.32 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। और देखें तो इसका 52 वीक हाई है 6.90 का और लो है 1.41 का। अब लास्ट के 5 दिनों का अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 4 दिन में लगातार अपर सर्किट लगा है, लेकिन फ्राइडे को हमें इसके अंदर लोअर सर्किट लगा हुआ दिखाई दिया। क्योंकि फ्राइडे को वैसे भी आपने नोटिस किया होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर में भी हमें पूरी गिरावट देखने को मिली। और इसके अलावा रिलायंस के ADHE ग्रुप के जितने स्टॉक्स हैं उन सभी के अंदर हमें लगभग गिरावट देखने को मिली थी। इवन रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में तेज़ी हमें थर्सडे को दिखाई दी थी, जबकि ADHE ग्रुप के सारे शेयर्स में गिरावट थी, जबकि इसमें हमें तेज़ी दिखाई दी थी, जो भी ये भी सस्टेन नहीं कर पाया फ्राइडे वाले दिन। देखिए अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच ने RHFL को एक ऑर्डर दिया है कि ये अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करें जो इनके डेट ऑब्लिगेशंस हैं। 19,000 जो इनके डिबेंचर होल्डर्स हैं, यानी ऐसे लोग जो इस कंपनी से नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स NCD बॉन्ड्स बाई किए थे, और ये ऐसे लोग 19,000 लोग हैं, और ये इन सभी लोगों को डेट ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए, यानी उसको चुकता करने के लिए देने के लिए ऑर्डर दिया है। यहाँ आप देखें तो IDBI ट्रस्टशिप सर्विस, जो कि एक RHFL बॉन्ड होल्डर्स की ट्रस्टी है, और इन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया था 3,500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स को रिकवर करने के लिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो बॉन्ड होल्डर्स हैं RHFL's के की होल्डिंग कंपनी के रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के, इसको भी इन्होंने एक पार्टी के रूप में इस केस के अंदर शामिल किया है, राइट। तो ऐसे ट्रस्टी जो मतलब ट्रस्टी जो है वो उन सभी इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के पार्ट नहीं है, यानी ICA का पार्ट नहीं माना जा रहा है। ICA इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट से क्या होता है कि किसी भी कंपनी के जो ड्यूज हैं या फिर जो उसकी डेट ऑब्लिगेशंस हैं उसको रिजॉल्व करने का एक तरीका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ऑर्डर है इस्टेब्लिश किया गया है, इसमें जो है जो क्लेम्स किए जा रहे हैं उन सभी को माना जा रहा है, और जो विच हैव टू बी पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोसेस। यहाँ आपको बताना चाहूँगा RHFL को एक्वायर करने के लिए जो बिडिंग चल रही थी 19 जून तक चली, आई थिंक 20 जून तक, इसमें जो सक्सेसफुल बिडर है उसका नाम मैंने आई थिंक अपडेट भी किया था आपको वीडियो के जरिए, इनका नाम है ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस कंपनी ने सक्सेसफुली इसके बिड को जीत लिया है। अब आगे की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, लेकिन ये बीच में एक दूसरी कहानी आ गई, मतलब एक दूसरा ऑर्डर आ गया। अभी बीच में आपको ये भी बताया था मैंने कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के अकाउंट को सिंडिकेट अकाउंट को आई थिंक कर्नाटका के किसी बैंक ने, कर्नाटका बैंक ने जो है फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया था, राइट। हालांकि वो खबर दब गई थी, उसके बाद कुछ पता नहीं चला उसका, लेकिन तब तक ये ऑथम इन्वेस्टमेंट वाली खबर आ गई, जिससे एक पॉजिटिविटी बनी रही और इसमें हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। तो ये एक ऑर्डर पास किया गया है NCLT मुंबई बेंच की तरफ से, तो देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि देखिए रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, और अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को अगर ये पे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो चैलेंज तो करेंगे ही, डेफिनेटली चैलेंज करेंगे।
तो देखते हैं कोई दूसरी हर्डल ना बने, कोई दूसरी प्रॉब्लम ना बने इस पूरे मोनेटाइजेशन प्रोसेस को लेकर के, क्योंकि अगर प्रॉब्लम बनेगी तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी, फिर वैसे लटका रह जाएगा जैसे पहले लटका पड़ा हुआ था, राइट? सो आई होप यू लाइक दिस स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इंकरेज कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो।